आज इसी श्रृंखला में हम सीखेंगे उपवास और प्रार्थना का क्या मतलब होता है, जिसे हम इंग्लिश में फास्टिंग भी कहते हैं। उपवास प्रार्थना किसी आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष कार्य अर्थात निर्णय लेने के लिए जल और भोजन से अलग रहकर उस समय को प्रार्थना और आत्मिक संगति में बिताने की प्रक्रिया को उपवास कहते हैं। तो उपवास भूख हड़ताल नहीं है, कहने का मतलब यह है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं लेकिन प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, तो वो उपवास की श्रेणी में नहीं आएगा। उपवास करते समय आपको प्रार्थना भी अति आवश्यक है। एक बार की बात है कि यूहन्ना के जो शिष्य थे वो यीशु से सवाल करने लगे, पूछने लगे कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते। तो यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया था कि जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा तो वे उपवास करेंगे। यह हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 15वीं आयत में। उपवास का बाइबल में बड़ा महत्व है। देखिए, ये परमेश्वर की आज्ञा है, यहोवा की यह वाणी है। बाइबल में लिखा है योएल नबी पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उपवास के साथ फिर कर मेरे पास आओ। अर्थात परमेश्वर चाहते हैं कि हम उपवास करके उसके पास आए। परमेश्वर कहते हैं जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात यशायाह 58:6 कह रहा है उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अर्थात परमेश्वर के हृदय की चाहत है कि उसके लोग उपवास करें और परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर हों। तब परमेश्वर उनके वंश को और उनके परिवार को आशीषित करेगा। पहली शताब्दी की कलीसिया हमें विश्वासियों के लिए एक सबसे उत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय उपवास के साथ किए। हर कलीसिया में उपवास सहित प्रार्थना करके वे लोग निर्णय लेते थे। हम पुराने नियम में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर प्रार्थना और उपवास किया गया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनके बीच में अद्भुत चमत्कार भी किया, जैसे दानियल ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया और उपवास किया। दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है। तो हम देखते हैं उसके कारण पूरे विश्व के लोगों ने सच्चे परमेश्वर को पहचान लिया कि दानियल का परमेश्वर जो अपने लोगों को शेर की मांद से भी बचा सकता है, ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। उपवास कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, उपवास साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं। बाइबल के लोगों ने भी जब उपवास किया तो इन्हीं 5 प्रकार के उपवास किए, जो इस प्रकार से है। पहला है संपूर्ण उपवास, अर्थात किसी भी प्रकार का भोजन जल ग्रहण नहीं करना, यह वास्तविक उपवास है। इसमें कोई भी प्रकार का फल या जूस भी नहीं पिया जाता है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 9वीं आयत में न उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया। प्रभु यीशु भी इसी प्रकार का उपवास करते थे और वे निराहार थे। देखिए, जरूर है ये इस प्रकार के उपवास बाइबल में लिखा है, लेकिन यदि आप दवा लेते हैं या आप किसी प्रकार का उपवास नहीं कर सकते क्योंकि शरीर कमजोर है, तो ये सभी लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप इस प्रकार से कष्ट झेलते हुए उपवास रखें, रिस्क लेते हुए उपवास करें। दूसरा उपवास है जिसको सामान्य उपवास कहा जाता है। इस उपवास में भोजन का त्याग कर लेकिन पानी या पेय लिया जा सकता है, चाय ले सकते हैं। इस प्रकार के उपवास को सामान्य उपवास कहा जाता है, जो शारीरिक रूप से संपूर्ण उपवास करने में सक्षम है वह भी इसको ले सकते हैं, और नहीं भी है तो भी इसमें वो शामिल हो सकते हैं। यह सामान्यतः सब जगह में इस प्रकार का उपवास किया जाता है। तीसरा उपवास है आंशिक उपवास। आंशिक उपवास मतलब दिन के पूरे दिन में यदि एक या दो भोजन का आपने त्याग कर दिया, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट को आपने त्याग लिया या आपने रात के भोजन को त्याग दिया या सुबह और दोपहर को खाने को नहीं खाया और रात को खाना खा लिया, इसको हम आंशिक उपवास कहते हैं। ये
इसमें आप कुछ हल्का नाश्ता भी कर सकते हैं शाम के समय में, या दोपहर को भी नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन आप एक टाइम कम से कम उपवास करते हैं। इसको भी उपवास की श्रेणी में रखा जाता है। परमेश्वर के दास दानियल ने कहा, उन दिनों मैंने स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 3री आयत। इसका मतलब यह है कि वो भोजन किया लेकिन स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, या संपूर्ण भोजन जो होता है वो उसने नहीं किया। चौथा उचित आत्मिक उपवास है। इस उपवास में न केवल भोजन वरन तमाम बुराइयों से भी अलग रहकर, या ऐसा कोई भी उपकरण जो हमें प्रार्थना में विघ्न डालता है जैसे मोबाइल कंप्यूटर आदि से दूर रहना होता है, ताकि परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिता सकें और अपने उस दिन के भोजन को भूखों को या ज़रूरतमंद लोगों को दान करना। ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ये हम यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय के 6वीं आयत में पाते हैं। पांचवा उपवास है झूठा या दिखाने वाला उपवास। एक्चुअली ये उपवास की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन कई लोग इस प्रकार से उपवास करते हैं, दिखाने के लिए उपवास करते हैं, तो ये मसीह लोगों को नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो दूसरों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं जैसे फरीसी सदूकी लोग, ताकि लोग जाने कि वे उपवास कर रहे हैं। उपवास जो परमेश्वर को नहीं बल्कि लोगों को प्रभावित करता है वह झूठा या पाखंडी या दिखाने वाला उपवास कहलाता है। मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय में हम पाते हैं इस प्रकार से। तो उपवास कैसे करना चाहिए, उपवास के नियम क्या क्या हैं? देखिए, लोगों को दिखाने के लिए हमको नहीं करना चाहिए, ये समझ में आ गया, या लोगों को प्रभावित करने के लिए उपवास नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु ने ये बताया, जब बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि कैसे उपवास करना चाहिए, ये बताया कि कैसे नहीं करना चाहिए। यदि हम लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं तो अपने स्वर्गीय पिता को जो गुप्त में देखता है उससे प्रतिफल या इनाम हम नहीं पाएंगे। सामूहिक रूप से या कलीसिया में प्रार्थना करें। बाइबल में अनेक उदाहरण हैं जहां सामूहिक रूप से सभी लोग मंडली मिलकर प्रार्थना करते थे और परमेश्वर ने उस प्रार्थना में आशीष दिया, जैसे नीनवे के लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने पूरा का पूरा देश नाश होने से बचा लिया। योना और यहोशापात के राज्य में हम देखते हैं, यहोशापात के राज्य में 3 शत्रु जो थे, सेना जो थी, आक्रमण कर दी और तब उसने उपवास प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे विजय किया। अकेले या व्यक्तिगत भी उपवास कर सकते हैं। हमें अकेले भी प्रार्थना करना चाहिए। लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं बल्कि तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझे उपवासी जाने। प्रार्थना के साथ उपवास करें। उपवास कोई हड़ताल भूख हड़ताल नहीं है, या परमेश्वर के सामने नारा लगाना नहीं है, हाथ पैर पटकना नहीं है, बल्कि नम्र होकर परमेश्वर से विनती करना है। यदि उपवास में प्रार्थना नहीं है तो यह उपवास भी नहीं है। उपवास रखकर पूरे दिन बिस्तर में सोते रहना, ये भी उपवास नहीं है। वचन के साथ और वचन के अनुसार उपवास करें। उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के वचन का बहुत बड़ा महत्व है। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा था कि तुम केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहोगे। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए मार्गदर्शन है कि कैसे उपवास करें। उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर हमें अपने वचन से बातें कैसे करते हैं। पश्चातापी मन के साथ उपवास करें। घमंड या क्रोध में उपवास करना व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने संपूर्ण मन से रोते पीटते हुए अर्थात नम्र हृदय के साथ मेरे पास आओ। योएल नबी की पुस्तक 2वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। तो हमें कभी भी जब उपवास करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं, तो हमारा मन साफ होना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में उपवास करें। यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई के 40 दिन और रात उपवास किया। हमें विशेष उद्देश्य के साथ एवं आत्मा की अगुवाई में उपवास करना चाहिए। उपवास के क्या लाभ हैं? देखिए, उपवास करने के कई फायदे हैं। बाइबल में परमेश्वर के दास दासियों ने जब उपवास के साथ प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम को किया, उनके जीवन में और उनके देश में किया। एक सही उद्देश्य से किया गया उपवास हमेशा एक बड़ी आशीष को लेकर आता है। बड़ी बड़ी आत्मिक जागृति हमेशा उपवास और प्रार्थना के साथ ही आई है। उपवास से विजय प्राप्त होती है।
राजा यहोशापात ने जब उपवास के साथ प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी सेना को 3 शत्रु राजाओं से युद्ध में विजयी किया। उपवास से नम्रता और दीनता प्राप्त होती है। राजा आहाब ने जब उपवास किया तब वह नम्र और दीन हो गया और परमेश्वर ने उस पर आने वाली समस्या को दूर कर दिया। उपवास से देश में आने वाली विपत्ति टल जाती है। परमेश्वर ने नीनवे देश में जो हानि आने वाली थी या हानि को ठान लिया था, लेकिन जब उस देश ने छोटे बड़े सभी लोगों ने मिलकर उपवास किया तब परमेश्वर ने उस देश को नाश नहीं किया, उस पर विपत्ति को टाल दिया। परमेश्वर की सेवकाई के लिए जब भेजा गया तब भी लोगों ने प्रार्थना और उपवास किया। पहली शताब्दी की कलीसिया के लोगों ने जब एक साथ उपवास प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने अपना आत्मा को, पवित्र आत्मा को भेजा और पौलुस और बरनाबास की सेवा को कार्य के लिए अलग किया। इसका मतलब यह है कि प्रभु की सेवकाई के लिए जब हम कोई अलग होना चाहता है या सेवकाई के लिए जाना चाहता है तो उपवास प्रार्थना के साथ उसका अभिषेक किया जाना चाहिए या उपवास प्रार्थना के साथ ही वो उसको कदम बढ़ाना चाहिए। उपवास के द्वारा परमेश्वर समस्याओं का समाधान भी करता है। आप जानते हैं कि जब नहेम्या ने अपने इसराइल की समस्या के विषय में प्रार्थना किया, उपवास किया, तो परमेश्वर ने एक अन्य जाति राजा के द्वारा उपाय किया और समस्या का समाधान हो गया। तो इस रीति से हम जानते हैं कि उपवास अत्यंत जरूरी है और उपवास करने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं, बरकत देते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे सवाल भी रखे हैं। उपवास कब खोला जाता है? उपवास जो है प्रायः दिन के अंत में अर्थात शाम को खोला जाता है। यदि यह एक दिन का उपवास रखा जाए तो शाम को खोला जाता है। यदि कुछ ज़्यादा दिनों का उपवास रखा जाए तो उन उपवास के दिनों के बाद अंत में उपवास को खोला जा सकता है। उपवास कैसे खोला जाता है? देखिए, यदि आपने कुछ दिन का उपवास रखा है तो स्वाभाविक बात है कि आपके पेट में कुछ भोजन नहीं है, इसलिए उसमें मसालेदार या फिर तेल से तला हुआ चीज़ें ना खाएं, बल्कि हल्का भोजन लें, खिचड़ी लें, चावल का नाश्ता लें, हल्का भोजन लें ताकि वो आपके पेट को गड़बड़ ना करें। उपवास प्रार्थना के बारे में बहुत सारे वचन